बागबानी घोटाले मामले दे विच सब तो वड्डा खुलासा होया है। गमाडा च तैनाती दौरान आईएएस अफसर ने पत्नी दे नाम ते करोड़ां दा मुआवजा लिया। जी पंजाब हरियाणा हिमाचल दे उत्ते सब तो पहला खबर नशर कर रहे हैं। तो दस दईए कि आईएएस अफसर ने पत्नी दे नाम ते करोड़ां दा मुआवजा लिया। आईएएस अफसर राजेश तिमान ने पत्नी दे नाम ते 1,17,00,000 रुपए का मुआवजा लिया। मौजूदा समय दे विच फिरोजपुर दे डिप्टी कमिश्नर दे अहुदे ते तैनात है राजेश तिमान। साल 2016 तो 2020 यानी कि इन्हां 4 सालां दरमियान विचाले विभाग दे अधिकारियों की मिली भुगत दे नाल सारे घपले नूं अंजाम जो है वह दिता गया। पर हुण ऐसे घपले दे विच ये जो बागबानी घोटाला होया सी ये सारे मामले दे विच वड्डा खुलासा हो चुका है। गमाडा दे विच तैनाती दे दौरान इस पूरे घोटाले नूं अंजाम आईएएस अफसर दे वल्लों दिता गया सी। अपनी पत्नी दे नाम दे उत्ते करोड़ां दा मुआवजा लिया गया सी। इस खबर से वधेरी जानकारी दे लई साडे पत्रकार मनोज जोशी फोन लाइन ते जुड़ गए ने। जी मनोज, खबर बाबत की कुछ जानकारी सामने आई है? जी बिल्कुल, जो एफआईआर ने बागबानी घोटाले नूं लेके दर्ज की है विजिलेंस ने, उस एफआईआर दे विच स्पष्ट गल दस्सी गई है कि जिहड़ा इह पूरा घोटाला सीगा उस तरह होया सीगा जिस दिन जो एक आईएएस अफसर ने राजेश तिमान पहला पीछे अफसर से कि हुण वह प्रमोट होकर आईएएस अफसर बन गए ने ते नाल ही वह इस टाइम वह पंजाब दे विच डीसी भी हैं जी। उन्होंने वालों जो सी ये सारी जानकारी सी ते कित्थे कित्थे जमीन आनी है कित्थे कित्थे एक्वायर होनी है, वह कहिंदे उन्होंने फिर उस जमीन खरीद के जी साजिश सी उहदे नाम शामिल किया। उन्होंने अपनी पत्नी के नाम के उपर भी जमीन कुछ खरीदी तो वो उपर मुआवजे लता लकी जे अमरूद के पेड़ थे। उन्होंने यह भी कहा कि जे बागबानी डिपार्टमेंट हैगा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैगी है उन्होंने जे साइंटिस्ट थे उन्होंने दसा है कि एक एकड़ से 132 पेड़ लग सकते उ 250 पेड़ों का मुआवजा लिया गया और 20 साल का मतलब कि अगर पेड़ लगाने अमरूद के पेड़ लगाए गए फिर मुआवजा पता 20 साल का देख के रखा जाता 20 साल तक के मतलब कि मुआवजे उन्होंने मिले गए 250 पेड़ के। उन्होंने गल दसी कि जी उन्होंने पत्नी हैगी है राजेश तिमान की उन्होंने नाम के उपर 1,17,00,000 रुपए तक की जी है वह मुआवजा राशि जारी हुई है विजिलेंस की एफआईआर लिखा गया तो उन्होंने पत्नी को संदिग्ध में रखा गया भी जे आरोपी हैं संदिग्ध है जिसका शक है। इस ही एक होर आईएएस अफसर है जिन्होंने घर का एड्रेस दसा गया चंडीगढ़ सैक्टर 20 का उत्थे भी उन्होंने एक लेडी का नाम है यह दसा जाता कि वह जी लेडी हैगी दूजे आईएएस अफसर की पत्नी हैगी है उन्हों का भी नाम जोड़ा है उस शामिल किया गया है तो उस संदिग्धों में शामिल है पर इन पर कोई हाले कार्रवाई नहीं हुई। तो ये वही गल है कि उसे जिथे नाम लिखे गए हैं 18 संदिग्ध ने उन्होंने 18 लोग ने जिन्हों का नाम लिखा जिन्हों को मुआवजा दिता गया है उन्होंने तकरीबन 6 से 7 के उपर एफआईआर दर्ज कर दी गई बारे टाइम से बाकी आप नहीं की गई बाकी जांच के विषय रखा गया है। सब तो वही गल एफआईआर है कि जो राजेश तिमान का नाम आया उन्होंने यह गल कही जाती है कि यह जी साजिश करता है सब कुछ पता है भी कितने जमीन आनी है कितने जमीन एक्वायर होनी है उस एरिए की जमीन में खरीदते थे तो उसे खरीद के फिर उसे पौधे लगाए जाते मुआवजे वास्ते क्योंकि सारी एग्रीकल्चर जमीन हैगी है जी। जी मीडिया टीम है अं 2 दिन पहले भी जाके आए थे उस बागबानी के उपर इतने बाग लगे ने जमीन एक्वायर हो चुकी है पर उसे अज भी बाग लगे हुए ने अमरूद दिखाई देते हैं तो अमरूद जे ने जिन्हों का मुआवजा लिता गया बड़े पूरा मुआवजा दिया गया पर अमरूदा के जे पेड़ से वो सब स्टैंडर्ड पेड़ से बड़े वधिया पेड़ से थे पर मुआवजा लिता गया तो वधिया पेड़ है जे वधिया अमरूद की ब्रीड होती है अमरूदा की हाइब्रिड होती है उस हिसाब से मुआवजा दिता गया है क्योंकि जी बिजनेस टीम है जांच लगिया हुई ने हूँ आम टाइम तक लगता कि जिकना पहला भी एक आईएएस अफसर नाम आया था प्लाट घोटाले में जो शाम अरोड़ा गिरफ्तार हुए तो हूँ फिर 2 आईएएस अफसर नाम आया कि इन्हें कोई कार्रवाई होती है नहीं जी। जी मनोज, देखा जाए जो भी बागबानी जो करते हैं जोड़ा किसानों का नुकसान होंगे है तो मुआवजे के लिए अक्सर मिन्नता पाते हैं अपील की जाती है पर दूजे पास मिली भुगत के नाल जिन्हें अफसर को ताकत होंगी है तो अपनी ताकत का दुरउपयोग करके किस तरीके मुआवजा लेंदे वो नजर आ रहे हैं क्योंकि मुआवजा राशि की भी गल करिए करोड़ों के मुआवजा राशि। जी बिल्कुल गल सही कहने जी जमीन हैगी है सारी जी जमीन हैगी है एग्रीकल्चर है खेती योग भाई वाली जमीन है इतने बाग कोई नहीं सिर्फ जी। बाग इसलिए लगाया गया मुआवजा लेने वास्ते पहला जमीन में खरीदी गई पट्टिया के उपर फिर उसके उपर पेड़ लगाए गए मुआवजे वास्ते बाग लगाए गए पौधे लगाए गए अमरूदा के जिंदा सब तो ज्यादा मुआवजा मिलता है वो पेड़ ला के उन्होंने मुआवजा दिता गया तो सारी साजिश बनाई गई ताकि करोड़ों रुपया चूना लगा गया अपने बंदों को फायदा पहुंचाएगा जिदा पत्नियों का नाम आ गया तो बड़ी गल है कि पत्नियां कितना आ गई जो होर नाम ने 18 उन्होंने कौन कौन ने उनकी जांच बिजनेस कर रही है नजदीकी हो सकते हैं नहीं हो सकते हैं तो हम आने टाइम जांच होगी। जी जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मनोज।